हेलो फ्रेंड्स, एवरेट स्टडी सेंटर को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। आज आम ए वीडियो रे ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग रो जो आपण मानक रही टीचर सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक, लर्निंग सेंट्रिक ए विषय रे आम केतोटी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट सहित एमसीक्यू मध्य डिस्कस करिबा। ठीक अछि, तो देखंतु ए जो वीडियो आपण माने देखिबाकू चाहूचंती, जो वीडियो देखुचंती आपण माने, ए वीडियोटी CHT OSSTT CTET एंड OTET ए सब एग्जाम्स रे जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रही चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पाई ए वीडियोटी बहुत बहुत काम रे आसीबो। ठीक अछि, तो देखंतु डेरी करिवानी। देखो तो ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग जहाँ को आम ओडिया कहूँ शिक्षण आयोजन, शिक्षण शिक्षण आयोजन केतोटी पॉइंट रही केतोटी आम जब कह इम्पोर्टेंट टर्म रही कौन कौन सेटा करिकुलम डिजाइन, क्लासरूम मैनेजमेंट जहाँ को आम कहूँ पाठ्यक्रम डिजाइन कि पाठ्यक्रम जो परिचालना पाठ्यक्रम तैयारी करिबा, श्रेणीगृह परिचालना, तापरे शिक्षण प्रक्रिया एवं फलाफल, लर्निंग प्रोसेस एंड आउटकम। देखंतु ए सब जिनिस जोटा मुझे आपण मानक कहूँ गोटे ऑर्गेनाइजिंग रो अर्थ कौन ना गोटे इंस्टीट्यूशन से जीव से इंस्टीट्यूशन रे या से गोटे संगठन रे या गोटे आम जदि कह कौन कह आम गोटे कह तार कौन कह कि गोटे चारिकांथ भितर बुझिपार कि नहीं, तो से चारिकांथ भितर कि इंस्टीट्यूशन रे कि ऑर्गेनाइजेशन रे को प्रकार लर्निंग व्यवस्था करा जाई पारिबो, बुझिपार कि नहीं, को प्रकार व्यवस्था करा जाई पारिबो ताकु आम कह ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग शिक्षण आयोजन शिक्षापाई आम कौन करवा। ठीक अच्छे, देखु करिकुलम डिजाइन आम पाठ्यक्रम जो डिजाइन अच्छी पाठ्यक्रम तैयारी करवा पाठ्यक्रम क्या क्या करवा क्या देखिए या देखु कि पाठ्यक्रम बेसिकली आम एनवायरनमेंट प्लस स्टूडेंट किंबा पुपिल्स को देखिक आम तैयारी करी था ना कि अन्य कौन सी जिनिस को देखिए करी था, बुझे स्टूडेंट रो तार क्वालिटी तो नहीं, स्टूडेंट रो जो ग्रहण करिवार शक्ति तार बयस सीमा को देखिक आम तार सिलेबस करी था। तो सहित तो क्लासरूम मैनेजमेंट कौन क्लासरूम मैनेजमेंट से श्रेणीगृह परिचालना ना क्लासरूम रे आम केमती स्टूडेंट मानक डिसिप्लिन रखा क्लासरूम रो केमती रहिबो बेच डेस्क केमती रहिबो ए सब जिनिस होची क्लासरूम मैनेजमेंट। तापरे लर्निंग प्रोसेस एंड आउटकम शिक्षण प्रक्रिया केमती होबा कथा टीचर केमती जिबे टीचर टीचर को जो पढ़ेबार शैली अच्छी प्रोसेस अच्छी सेटा केमती रहिबो एवं जे स्टूडेंट को पढ़ाउचंती तार आउटकम कोनो मिलुची तार फलाफल कोनो मिलुची सेटा रहिबा कथा। तापरे बैलेंस ऑफ पावर जोटा कि शक्तिर संतुलन बैलेंस ऑफ पावर भी निहाती आवश्यक। तो सहित तो देखूँ लर्निंग एक्टिविटी माने आम शिक्षण कार्यकलाप कौन कर शिक्षा क्षेत्र में कौ कार्यकलाप कर बुझे ना माने आम जदि कह कि शिक्षण किपरी इंटरेस्ट आणवे लर्निंग एक्टिविटी रे केमती चेंज करेंगे जदि छुआ मानक भल लगुनि गोटे गोटे जो प्रोसेस करा जाउची कि जो शिक्षार्थी मैंने जो बोर होती अनुसार आम लर्निंग एक्टिविटी को चेंज करने को पड़ो, बुझे सुपरविजन कौन सुपरविजन कहले आम कह तदारख सामग्री उपलब्ध नहीं यहाँ तो तदारख सुपरविजन कहले आम जोटा कहूँ आम कौन कह सुपरविजन कह तदारख यहाँ नहीं कि यहाँ अलग हो जाए। ठीक अच्छे, तदारख हवा कथा आ मटेरियल अवेलेबिलिटी कौन सामग्री उपलब्धता नहीं
सामग्री रहा कथा जो चॉक डस्टर जी प्रोजेक्टर पढ़वार अच्छे प्रोजेक्टर रहा कथा यह सब जिन गोटे अवेलेबल जिन रहा कथा सिलेबस आकार बुक जो रोज बुक रहा कथा एसेसमेंट स्ट्रक्चर मूल्यांकन गठन एसेसमेंट स्ट्रक्चर जो मैंने जब कह कि ऑर्गेनाइजिंग सेंटर रे किपर भाव जो स्टूडेंट्स मानक एसेसमेंट दि जाऊँगी से एसेसमेंट रो स्टूडेंट मानक देखिक स्टूडेंट लेवल को देखिक करा जाऊँ कि नहीं सब जिनस गोटे गोटे ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग रो उदाहरण गोटे मेन पॉइंट ठीक अच्छे क्लीयर बुझीपार नेक्स्ट जी देखु ये कौन प्रथम आम पढ़ा टीचर सेंट्रिक शिक्षक केंद्रिक देखो टीचर सेंट्रिक ये किसी डिफिकल्ट ना टी जस्ट आपड़ कनसनट्रेट करेंगे तार उदाहरण जोटा देखूँ ये जो शिक्षक केंद्रिक उदाहरण कौन अध्यापक पद्धति विमुद्रीकरण पद्धति प्रार्थीकृत पद्धति जहाँ आम कह आउ गोटे अच्छे प्रार्थीकृतिक यहाँ गोटे 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 टीचर सेंट्रिक एग्जांपल टीचर सेंट्रिक रो शिक्षक केंद्रिक रो उदाहरण ठीक अच्छे देखु जो पॉइंट मुझे लिखी ये पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट एटा क्वेश्चन आपण मन को पचरा जाई पारे घूमे की ठीक अच्छे बुझीपुर देखु टीचर सेंट्रिक कहले आम समस्ते जाचु शिक्षक केंद्रिक पद्धति जोठारे सेंटर रे रहिबे किए शिक्षक बाकी रहिबो हमरा स्टूडेंट बाकी रहिबो एनवायरनमेंट एरा रहिबे टीचर तो सेंटर रे को रोज के रहउजंती टीचर तो प्रथम तो टीचर सेंट्रिक आउ एजुकेशन नाही प्रायतः ठीक अच्छे अतर एग्जांपल मु आपन कहले लेक्चरर मेथड डेमोंस्ट्रेशन मेथड अथॉरिटेटिव अथॉरिटेरियन लेक्चरर मेथड कहले कोनो एटा को हम कहचू ट्रेडिशनल मेथड अब भी कहि पारु नै कि डेमोंस्ट्रेशन डेमोंस्ट्रेशन अर्थ देखे कि पढ़ेगा क्या कथा शुणवानी जमी कि पिक्चर एमती आसब जहाँ मोबाइल रे देखु से गोटे गोटे डेमोंस्ट्रेशन मेथड आम पिक्चर जो मोबाइल रे देखु तुम किसी कहीपार कि नहीं आमर किसी वैल्यू नहीं मतलब पुपिल्स मानक स्टूडेंट्स मानक कि कौन टीचर जदि आम कह डेमोंस्ट्रेशन आगे देला गोटे मोबाइल रू दे तो कहले आम कौन डेमोंस्ट्रेशन मेथड तापर अथॉरिटेटिव एंड अथॉरिटेरियन ये जो अथॉरिटेटिव एंड अथॉरिटेरियन रू जो पार्थक्य रही आपने बुझी नि देखु ये जो अथॉरिटेटिव अच्छी अथॉरिटेटिव अर्थ हो कि मानने अथॉरिटेटिव रे कौनसी प्रकार बुझीपारे कि ना कौन प्रकार दया न थाए कौन प्रकार मान स्नेह श्रद्धा न थाए पूरा हाई पावर जो आम जब कह स्ट्रिक किंतु अथॉरिटेरियन रे स्ट्रिक्ट तो थाए तत्सहित माने दया मध्य रही थाए बुझिपारे फरक किंतु टीचर सेंट्रिक गोटे ओके चलो नेक्स्ट जीवा तापर देखु लर्नर सेंटर शिक्षार्थी केंद्रिक लर्नर सेंटर सेंटर कौन देखु जो जगार स्टूडेंट सेंटर रे तापर रे टीचर तापर आसिबो एनवायरनमेंट ठीक अच्छे तापर कौन आसिबो एनवायरनमेंट एटा हला स्टूडेंट एटा हला टीचर एटा हला एनवायरनमेंट ठीक अच्छे तो टीचर कौन करिबे स्टूडेंट मानंको दक्षता एबिलिटी तांकर सामर्थ्य आकार रे ही लर्नर सिलेबस लर्निंग प्रोसेस से माने आरंभ करिबे ताको आमे कहुचु लर्नर सेंटर एक्टिव रहिबो किए लर्नर टीचर सेंटर रे एक्टिव रहिबो किए टीचर आपण माने समस्त पढ़ी चंती ठीक अछि आ लर्नर सेंटर जो रहुचि जदि आमे कहबा को अप्रोच को से माने लर्नर सेंटर माने अडॉप्ट करुचि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ठीक अछि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को जो लर्नर सेंटर अच्छी से कौन करुची ना एक्सेप्ट करुची सपोर्ट करुची हला बुझिपारे तापर लर्निंग सेंटर जीवा जोटा कह शिक्षण केंद्रिक देखु कंस्ट्रक्टिविस्ट
जोटा आपण माने बहुत थर पढ़ीथिबे कंस्ट्रक्टिविस्ट विषय रे, ठीक अछि। तो सेटा कोन कंस्ट्रक्टिविस्ट कोन कहउछन्ती कि शिक्षार्थी कोन करि परिबो, शिक्षार्थी आपे आपे शिक्षा ग्रहण करि परिबो, केवल तांको गोटे रास्ता दरकार, से निजे जेकोसी स्थान से शिखिपार कंस्ट्रक्ट कर ग्रहण करठनमूलक अभिमुख्य। ओके आम कौ लर्निंग सेन्टर जोटा कि टीचर को बेसिक शिक्षार्थी को बेनिफिट मतलब सपोर्ट करें, बुझिपी शिक्षार्थी को ही बेस सपोर्ट करें, किए शिक्षण शिक्षण केन्द्रिक शिक्षार्थी को ही बेस सपोर्ट करें, बेसी से सेंटर रखिता शिक्षार्थी को स्टूडेंट को, ठीक अच्छे हैला। नेक्स्ट जी देखो, नेक्स्ट अच्छे आमर एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू प्लस कंटेंट, कंटेंट प्लस एमसीक्यू, ये सब आम कर देखो। इन द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ रीडिंग व्हेन द चाइल्ड बिकम्स अवेयर ऑफ द वे इन व्हिच लेटर्स आर कंबाइंड लीडिंग टू डिस्टिंक्ट साउंड इज रिफर्स टू एच, पढ़वार विकासमूलक पर्यायर, ठीक अच्छे, जिते बेले पाटी अक्षर गुड़िक एकत्रित तो हुई भिन्न ध्वनि आड़क गति करे, से विषय अवगति हुए, ताको आम कौन कह जदि कह पढ़वार विकासमूलक पर्याय जिते बेले से शिक्षार्थी पढ़ुची, ठीक अच्छे, से ही समय से कौन करना अक्षर गुड़ी को एकटा कर मानने एकत्रित कर ध्वनि से विभिन्न प्रकार ध्वनि से ताकु पढ़व से शिक्षार्थी जी पढ़व ना जदि एमती अच्छी मा न स, ठीक अच्छे, तो कौन केमती पढ़व मा न स एमती पढ़व ना मैं टे अलग हिसाब से पढ़व डायरेक्ट तो पढ़ी पड़ोनी मानस बोल कि तो से किपर भाव से कह अनुसार कि क्या से रिफर्स करपसन भितर ये जो प्रोसेस करुच्छे चिल्ड्रेनटा चाइल्डटा ताको आम कौन कह सिंबॉलिक स्टेज कह सिंबॉलिक स्टेज केमती कह कौन प्रकार सिंबल किसी उदाहरण दौना तापर पिक्चरियल चित्रकला भी कौन प्रकार होटा आंसर होपर ब्लेंडिंग स्टेज और ऑर्थोग्राफिक पर्याय देखु यार सठिक आंसर होमर ऑर्थोग्राफिक पर्याय से कौन करना मानने ऑर्थोग्राफिक ऑर्थोग्राफिक्स अर्थ कौन ग्राफिक्स लिखुची भी आउ पढ़ुची भी ताको गोटे प्रकार एकत्रित कर बुझा चेष्टा ऑर्थोग्राफिक पर्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन जी देखु इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई दोज वी आर रिलेटेड टू इंटरेक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग फॉर इंडिकेटिंग योर आंसर सिलेक्ट फ्रॉम द कोड स्टेटमेंट। ये जो निम्नलिखित स्टेटमेंट तालिकार शिक्षादान इंटरेक्टिव स्टेज सहित जड़ित चिन्हट कर एवं तुम्हारा उत्तर सूचाईवाई कोड्रु बाछ। देखो ये जो स्टेटमेंट दिया जाइए ये स्टेटमेंट रु आम कौन करवा कथा कौटा राइट कौटा रंग आमको बाछवा को पड़ो। प्रथम ऑप्शन कौन कह द टीचर डिसाइड व्हाट टू टीच के नुह आपको बार बार कही कि वर्तमान जो लर्निंग अच्छी से स्टूडेंट लर्नर और स्टूडेंट सेंट्रिक स्टूडेंट मान लक्ष्य करके ही से टीच करेंगे। टीचर सिलेबस रु माने से पढ़ी देवे जहाँ भी सिलेबस रे अच्छे से सब जानदेवे किंतु स्टूडेंट जिते बेले पढ़ाक इच्छा करेंगे तो से ही समय रे स्टूडेंट मान इच्छा अनुसार शिक्षक टी पढ़े तो यहाँ होगा फेल। ऑप्शन बी द टीचर ऑर्गेनाइज लर्निंग टास्क एंड मॉनिटर, ठीक अच्छे, बाध्य से मॉनिटर तो करेंगे ना मॉनिटर बाध्य करें रास्ता देखे पारे टास्क दे पारे से पार ऑप्शन नंबर बी द टीचर टास्क द प्लांट रिपिटेशन, शिक्षक एक योजनाबद्ध पुनरावृत्ति नियंती हाँ प्लांट करेंगे किंतु टीच कौन करेंगे सेटा स्टूडेंट मानकर इंटरेस्ट हिसाब से करेंगे तो यहाँ होमर रईट आंसर, ठीक।
ठीक अच्छे दुटा हो गला अर्थात बी और सी है देखो बी और सी को जगह अच्छी यहाँ तो कटिजी तो ये भितर हिंब वन और टू भितर ठीक अच्छे तापर कौन ठीक हूँ लर्निंग आउटकम डिटर लर्निंग जो शिक्षण पूरा फलाफल अच्छी ताबे आप निर्णय करें कौ शिक्षार्थी केमती आसब मुझे पढ़ाऊँ से कमी आसब आउटपुट से डिटरमाइन करें ठीक अच्छे नेक्स्ट द टीचर कीप्स स्टूडेंट्स मैक्सिमली ऑन टास्क एंड मिनिमली ऑफ टास्क शिक्षक छात्र मानक सर्वाधिक टास्क एवं सर्वनिम्न टास्क ऑफ रखते हाँ टास्क कौन करेंगे मैक्सिमम ऑन टास्क रखे एंड मिनिमली ऑफ टास्क रखे यहाँ तो करेंगे तो यहाँ हूँ ऑप्शन नंबर ई हो राइट द टीचर एसेस द लर्निंग आउटकम्स टीचर एसेस द शिक्षण शिक्षक शिक्षण फलाफल को मूल्यांकन करें नहीं ठीक अच्छे तो यहाँ हो गला फेल तो जो ऑप्शन रहा आपण मानकर ए सॉरी बी सी ई अर्थात बी सी ई को जगह अच्छे जमीक ख ग ग तो यहाँ है आंसर ठीक अच्छे नंबर वन हो गला करेक्ट आंसर तो ये आम ऑर्गेनाइज लर्निंग जदि आपण मानक पसंद आसन आपड़ निश्चित भाव में सब्सक्राइब करेंगे ठीक अच्छे आहरी वीडियो आम आगक बलैवा बनवा ठीक अच्छे जोटा कि आपण मान कंट्राक्चुअल हाईस्कल टीचर पर मोस्ट इंपोर्टेंट रो सहित ओ एस एस टी टी जहाँ भी आपने ओडिशा टेट एग्जाम दे वीडियो से ही जॉब जहाँ भी से ही टेट एग्जाम आपने प्रिपेयर कर सही टेट एग्जाम एटा मोस्ट वीडियो रही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रही नेक्स्ट आम पुणी कौन करवा अलग अलग जो सिलेबस आकर जहाँ करा ठीक अच्छे आम अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोसेस तार आम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ी सारीचे ठीक अच्छे तापर आम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पढ़ी सारीचे जीन पियाजिंग फाइगस्की सबकि पढ़ा जापर आम पढ़ी पढ़ीचे ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग हाँ माइक्रो टीचिंग जो क्वेश्चन आसे भी आम कर सारी हाँ सब कर निश्चित भाव धैर्य धरिकी देखते ठीक अच्छे रोचे धन्यवाद जय जगन्नाथ।